हेलो एवरीवन, तो आज हमारे पास है प्रेस्टीज ब्रांड का इंडक्शन कुकटॉप जिसका मॉडल नंबर है PIC 6.1V3। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, बहुत ही परफॉर्मेंस का अच्छा है और इसका वोल्टेज है 2200 वाट्स। तो वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर। तो देख सकते हैं ये इंडक्शन का कुछ इस तरह का लुक है। मैंने बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर दिया है और बॉक्स में मिला है मेरे को एक वारंटी कार्ड जिसमें कंपनी की ओर से मिल जाती है 1 ईयर की वारंटी एंड यूजर मैनुअल। इसमें कैसे यूज़ करना है वो पूरा फंक्शन है, पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। तो इसको रखते हैं साइड में। एंड इसकी जो थर्मोकॉल की पैकिंग होती है वो कि अट्टे की तरह है, चारों तरफ पैकिंग आ जाती है अच्छी तरह से ताकि कुछ ग्लास वगैरह डैमेज ना हो, और ऊपर कवर की पैकिंग आ जाती है। एंड इसमें सबसे पहले हम वायर की बात करेंगे तो इसका 1 मीटर ऑलमोस्ट वायर है। एंड इसका जो ये प्लग पॉइंट है वो 5 एम्स का है, आप किसी भी प्लग पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं, एम्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो देख सकते हैं ये सेरामिक ग्लास है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ग्लास है एंड दिखने में काफ़ी लाजवाब आइटम है। आप देख सकते हैं इसकी शाइनिंग वगैरह, लुक, परफॉर्मेंस। तो इसमें फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले इधर प्रेस्टीज ब्रांड का नाम है एंड इधर दिया हुआ है ऑटो विस्कर काउंटर। देख सकते हैं ऑटो विस्कर काउंटर, आपको पूरा बताएंगे कि क्या फंक्शन है, कैसे वर्क करता है। और ये पावर सेवर टेक्नोलॉजी है जो कि पावर सेव करता है। एंड ये है कीप वार्म बटन, यानी कि कीप वार्म उसमें फंक्शन आ जाता है। एंड यहाँ पर पूरे बटन्स दिए हुए हैं, यानी कि टच कंट्रोल है ये। इधर आ जाता है ऑन ऑफ बटन, इधर आ जाता है मेन्यू एंड इधर आ जाता है प्लस, इधर आता है टाइमर एंड प्रीसेट। एंड इधर ये माइनस प्लस का बटन है जो कि आप कर सकते हैं कम ज़्यादा। इधर हीट मिल्क, इडली, डीप फ्राई, प्रेशर कुकर, करी, सॉटे, ये सभी अगर आपको फंक्शन काम करना है तो सिर्फ ये बटन पे काम करेगा। एंड इधर डोसा, चपाती एंड विजल प्रीसेट, जो कि अगर आपको विजल सेट करना है, यानी कि अगर आपको 3 विजल सेट करना है जो कुकर वेयर, जो प्रेशर कुकर में अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो सिंपली आप इधर बटन को प्रेस कर दीजिए, विजल सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका जो कुकर है बंद हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमने इस इंडक्शन को प्लग इन कर दिया है, इस तरह से फंक्शन आएगा। तो हम इसमें एक इस तरह का प्लेट रख देंगे एंड इसमें डाल देंगे पानी, आपको गर्म करके बताएंगे। तो थोड़ा पानी डाल दिया है एंड अब इसको करना है ऑन। ऑन कर दिया है, सिंपली ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं ये ऑन, इस इधर आप बटन प्रेस करेंगे तो वर्क नहीं होगा। तो क्या करना है आपको, वो ऑन करने के बाद मेन्यू का बटन प्रेस करना है तभी ये ऑन होगा। उसके बाद में अगर आपको प्लस करना है तो प्लस कर सकते हैं, माइनस करना है तो माइनस कर सकते हैं। सिंपली आप थोड़ा सा टच करेंगे, हवा से ही ये हो जाएगा। मिनिमम 100 है और मैक्सिमम आपको 2200 आएगा। एंड जो ये वाला फंक्शन है आप देख सकते हैं इसके ऊपर काम करता है, ये देख सकते हैं डीप फ्राई, सॉटे, डीप फ्राई, इडली वगैरह। तो ये अगर आपको फंक्शन करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको कुछ ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वाटर गर्म करना है तो आप मैक्सिमम तक यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर मिल्क वगैरह है तो देख सकते हैं इतना फास्ट गर्म हो चुका है। एंड मिल्क वगैरह है तो आप मिनिमम ही यूज़ करिए 100 से 500 तक। तो काफ़ी अच्छा इंडक्शन है और इसमें जो ये ग्लास का डिज़ाइन काफ़ी अच्छी तरह से दिया है आप देख सकते हैं। अगर कोई भी अगर इसके ऊपर पानी गिरेगा तो भी डायरेक्ट नीचे गिरेगा, इसके अंदर जाने का कुछ कोई भी चांसेस नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया है एंड आप देख सकते हैं ये एकदम फास्ट कुछ मिनटों में गर्म हो चुका है। एंड इधर हाथ रखने से भी कोई गर्म इश्यू नहीं है, बट कंपनी का इधर कुछ लिखा है द सेरामिक प्लेट इज हॉट आफ्टर कुकिंग, प्लीज़ डोंट टच विथ योर हैंड, यानी कि यहाँ पर हाथ को टच नहीं करना है बोलता है, बट होता कुछ नहीं है। एंड करंट का बिल भी आपको बहुत कम आएगा, ऑटोमेटिक कीप वार्म फंक्शन आता है इसमें, वो सभी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो यूजर मैनुअल बुक दिया है वो आप पढ़ के भी कर सकते हैं। एंड इसका जो प्राइजिंग आता है MRP 5000 के आसपास है, अगर आपको मार्केट में आपको 3500 के आसपास मिल जाएगा। बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आपको परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।